नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के क्लास पीजी सेकेंड सेमेस्टर सेशन 2017-19 के एग्ज़ाम का प्रोग्राम शीट। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर पीजी सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2017-19। इस सेंटर होगा एग्जामिनेशन हॉल, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का एग्जामिनेशन हॉल। पूरे सब्जेक्ट को 8 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। ग्रुप ए, ग्रुप ए में है हिस्ट्री, पर्शियन, बंगाली, AIH&C, मैथिली, PK&J। ग्रुप बी में है पॉलिटिकल साइंस, हिंदी। ग्रुप सी में है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। ग्रुप डी में है साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्दू और फिलॉसफी। ग्रुप ई में है कॉमर्स, सोशियोलॉजी और संस्कृत। ग्रुप एफ में है मैथमेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री। ग्रुप जी में है जूलॉजी, होम साइंस। ग्रुप एच में है ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड म्यूजिक। ओके, तो आपने पूरे अच्छे तरीके से इसको देख भी लिया और सुन भी लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरे ग्रुप को, यानी 8 ग्रुपों में जो सब्जेक्टों को बांटा गया है पूरे विषय को, तो उसको उसका एग्जाम 2 सिटिंग में होगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग है 9 to 12, यानी 9 बजे से 12 बजे तक, और सेकेंड सिटिंग का टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे तक। ग्रुप ए में एग्जाम होगा, सॉरी, फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा ACEG का, यानी कि एक एक गैप करके ACEG का फर्स्ट सिटिंग में होगा, सेकंड सिटिंग में BDFH। ओके, अब देख लीजिए पूरे ग्रुप, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होगा 14 से और चलेगा कब तक, 25 तक। 14 से एग्जाम होगा और 25 तक चलेगा। चलिए तो अब देख लेते हैं डिटेल्स। ग्रुप ए एंड बी, ग्रुप ए एंड बी का फिफ्थ पेपर जो होगा 14 मई को होगा फर्स्ट सिटिंग में, और ए और बी का सिक्स पेपर होगा 18 मई को। तो आप यहाँ ये पूरा डिटेल्स दे दिया गया है, आप ग्रुप वाइज इसको आप अलग अलग छाट सकते हैं कि किस ग्रुप का, कौन से ग्रुप का किस सिटिंग में एग्जाम है। इसमें ये नहीं दिया हुआ, जो लिस्ट आपको दिख रहा है चार्ट, इस चार्ट में ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट के तहत आपको नहीं दिया गया, बस डेट वाइज किस डेट को कौन सा पेपर होगा और किस ग्रुप का, ठीक है, किस ग्रुप का कौन सा पेपर किस डेट को है। और आप ऊपर जो आप जिस भी ग्रुप के होंगे, तो आप ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि ग्रुप ACEG का फर्स्ट सिटिंग में हमेशा फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, और ग्रुप BDFH का सेकंड सिटिंग में होगा, ठीक है। तो इसमें कोई सिटिंग नहीं दिया गया चार्ट में, इसको डायरेक्ट आप देख सकते हैं। जैसे ग्रुप ए और बी, इस तरह से आपको ग्रुप ए और बी, ग्रुप सी और डी, ग्रुप ई और एफ, ग्रुप जी और एच, इस तरह से एग्जाम है। तो ग्रुप ए और बी का फिफ्थ पेपर होगा 14/5/2019 को, सिक्स्थ पेपर होगा ए एंड बी का 18/5/2019, ए और बी का सेवन्थ पेपर होगा 22/5/2019, और आठवां पेपर होगा 27/5, सॉरी मैंने आपको कहा कि 25 तक ही एग्जाम होगा, ये 29 तक एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ए और बी का पांचवा पेपर 14/5 को, सी और डी का पांचवा पेपर 15/5 को, ई और एफ का पांचवा पेपर 16/5 को, और जी और एच का पांचवा पेपर 17 मई को होगा, ठीक है। इसी तरह से ए और बी ग्रुप का छठा पेपर जो होगा 18 मई को, सी और डी का छठा पेपर 19 मई को, ई और एफ का छठा पेपर 20 मई को, जी और एच का छठा पेपर 21 मई को। इसी तरह से ए एंड बी का सातवां पेपर 22 मई को, सी और डी का सातवां पेपर 23 मई को, ई और एफ का सातवां पेपर 24 मई को,
जी और एच का सातवां पेपर 25 मई को, फिर आठवां पेपर का ए और बी का आठवां पेपर 27 मई को, सी और डी का आठवां पेपर 28 मई को, ई और एफ का आठवां पेपर ई और एफ का आठवां पेपर 29 मई को, जी और एच का 8th पेपर नहीं दिया गया क्योंकि ये तीनों जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी कि उसमें तीसरा पेपर जो, उसका आठवां पेपर जो होगा प्रैक्टिकल होगा, इसीलिए इसमें नहीं दिया गया है। ओके, तो ये रहा आपका सिलेबस। देख लीजिए ये रिलीज कब हुआ है, मैं आपको कुछ दिन लेट से इसको अपलोड कर रही हूँ, ये 4/5 यानी 4 मई को ही ये एग्ज़ाम प्रोग्राम सीट जो है रिलीज हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से, आप भीमराव बिहार यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम प्रोग्राम सीट PG सेकेंड सेमेस्टर 2017-19। ओके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और इस तरह से चैनल पर बने रहे। आपकी जो भी समस्या है कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख भेजें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर करें। धन्यवाद।